Hi, what's up guys? Today I'm covering a different topic, which is Rumba technique. So a different technique, not a different but very catchy technique, very entertaining technique, aur bahut attract karti hai new guitarist ko aur ek bahut acha sound produce karti hai jisse aapki audience ko bahut maza aane wala hai. To hum kuch basic se gaane hain, Indian songs hain jo lagatar chalte aa rahe hain parties mein aur आप लोग कभी परफॉर्म करते हो तो हमेशा आप लोगों को ऐसे गानों की रिक्वेस्ट जरूर मिलती है, ये वाला गाना कवर करो. उसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करने का कवर करते हैं कि किस तरीके से आप उन गानों को थोड़ा सा और एक अच्छा सा फील दे सकते हो, एक डांसिंग काइंड ऑफ फील. सैड सॉन्ग भी हो सकते हैं उसमें, कुछ भी सॉन्ग आप ले सकते हो उसको. तो द टेक्निक इज रूम्बा टेक्निक, स्पैनिश टेक्निक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, स्पैनिश टेक्निक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है. इसको स्लोली आपको पहले प्रैक्टिस करना है, गाने भी आने से पहले स्लोली प्रैक्टिस करना है. क्या है टेक्निक, कोई भी आप कॉर्ड पकड़ो या ना पकड़ो, स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं थंब से. ऐसे अगर आप अपने नेल्स थोड़े से बढ़ा सकते हो तो इट विल बी बेटर, नहीं तो इस टेक्निक में क्या है, ये जो यहाँ का मांस होता है इस पे आपके हिट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा पेन कर सकता है और इंटरेस्ट लूज करवा सकता है. तो कुछ नहीं, थंब से नीचे फर्स्ट ड्रम, थंब से ऊपर, फिर आपके पूरे हैंड से नीचे, फिर थंब से ऊपर, देन पाम म्यूट, देन आपको इससे ऐसे ठक करना, म्यूट करना. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, आठ स्टेप है टोटल. कैसा साउंड करेगा, करनी है कम से कम 4-5 दिन लगातार. आप विदाउट कॉर्ड करोगे इसको, आप म्यूट कर सकते हो अगर आपको आवाज थोड़ी सी अनोइंग लग रही है, तो म्यूट करके आप कर सकते हो इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8 थंब डाउन थंब अप, फोर फिंगर्स डाउन थंब अप म्यूट, फोर फिंगर्स अप, फोर फिंगर्स डाउन थंब अप. तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी स्लोली स्लोली स्पीड इंप्रूव करती है. उसके बाद आप कॉर्ड प्रोग्रेशन, इसमें बहुत इजी कॉर्ड प्रोग्रेशन ले सकते हो, ए माइनर, जी, एफ और ई. तो कॉर्ड्स के साथ कैसा साउंड करेगा ये एक बार सुनते हैं. स्लोली स्लोली करना आपको, बहुत ब्यूटीफुल साउंड करता है और एक अलग सी एनर्जी गिटारिस्ट के अंदर लेके आता है. तो अब इसमें गाने, इंडियन गाने हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो स्लो गानों से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थोड़े से जिनके टेम्पोज हाई होते हैं. तो दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार बाद गाने का अगर फील चेंज करते हैं थोड़ा. जब आप गिटार सीखते भी हो तो आपके सामने हर बार ये रिक्वेस्ट जरूर आती होगी, गुलाबी आंखें सुना दो. तो उसके लिए वाला गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में जैसे होती बार पे तुझ पे फिदा, मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार.
देखा तूने मेरा बिस्मिल हो गया। सॉरी अबाउट द लिरिक्स। इसके बाद आप ऐड कर सकते हो सात समुंदर पार। सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया। सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया। सो इस तरीके से आप बहुत सारे और मल्टीपल सॉन्ग्स हैं जो आप इन कॉर्ड्स में ऐड कर सकते हो। कुछ गाने आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो मुझे कौन कौन से गाने और आपको लगता है कि इस वाली टेक्निक में, रूम्बा टेक्निक में, सेम प्रोग्रेशन में ऐड हो सकते हैं। स्टार्टिंग ए माइनर से कीजिए। बहुत अच्छी टेक्निक है। किसी भी कॉर्ड्स पे आप जोड़ सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, नए नए कॉर्ड्स इन्वेंट करोगे इस रूम्बा टेक्निक को एक सूदिंग साउंड देने के लिए। बट ए माइनर के अभी स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इंडियन सॉन्ग्स हैं जो रूम्बा टेक्निक के साथ अच्छे लगेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टेक्निक और ये गानों का प्रोग्रेशन और गाने किस तरीके से ऐड करें पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा लेना अगर आपको ये पसंद आया तो। नहीं, आगे न्यू टेक्निक्स लेके आते हैं और न्यू गाने इनके साथ ऐड करते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे भी डाल दूंगा JAGS20. वहाँ पे मैं रूम्बा टेक्निक का 1 मिनट वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें 1 मिनट में मैं जो गाने हैं वो कवर करूँगा। 4-5 जितने भी गाने मेरे को उस टाइम पे आ रहे हैं वो मैं कवर करता हूँ। तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि आपके दोस्त गिटारिस्ट हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, आप चाहते हो आपका गिटारिस्ट दोस्त आपके लिए बजाए, तो उसको शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। बाय बाय।